अगर आप मूवी लवर हैं और अभी तक रिव्यू देख रहे हैं तो अनफॉर्चुनेट है, आपको अभी के अभी इस मूवी की टिकट लेनी चाहिए। और ये मूवी एक वैसी मूवी है जो 2019 में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित होगी। जी हाँ, ये बात आप नोट करके रख लें कि 2019 में सबसे ज्यादा कमाने वाली ये मूवी साबित होने वाली है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहली रीजन, तो बेसिक रीजन ये है कि ये 2 अक्टूबर जो फ्राइडे से पहले रिलीज हो गई है, एक नया ड्यूरेशन मिला है 2-3 दिन का एक्स्ट्रा, उसके बाद 2 दिन की वीकेंड है, उसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी है, तो एक अच्छा खासा जंक है मूवी की छुट्टी में और इस कारण से बहुत अच्छी खासी कमाई होगी। सिर्फ इस कारण से अगर मूवी की कमाई हो गई होती तो सारी मूवी छुट्टी में ही रिलीज होते और हिट हो जाते। सच्चाई ये नहीं है। ये मूवी में बहुत सारे ऐसे दमखम हैं जिसके कारण से अभी आपको टिकट लेनी चाहिए। सबसे पहले जिस तरह की स्टोरी इस मूवी में दी गई है वो वाकई तारीफ है। कुछ मूवीज स्टोरी नहीं होने के कारण एक्टिंग के दम पे कोशिश करती है हिट करने की, लेकिन इसमें लाजवाब एक्टिंग, लाजवाब एक्शन। और एक्शन की अगर बात करें तो जो बंदे अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं कि बॉलीवुड की मूवी और हॉलीवुड की मूवी में क्या कभी हम उन्हें टक्कर दे पाएंगे, क्या हम उनसे आगे निकल सकते हैं, तो एक ऐसी मूवी आपके सामने आपको लाया जा रहा है कि जो हॉलीवुड को भी टक्कर देने के साथ साथ कमाई में उसको पीछे छोड़ने की दमखम रखती है ये मूवी, वैसी मूवी 2019 की साबित होगी। और इसके बाद और बताऊं कि जिस लेवल की इसमें थ्रिलर है, आपको मूवी के लास्ट तक, मूवी के एंड तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मूवी में विलन कौन है, मूवी में ऐसा क्या हुआ कि ऋतिक रोशन निगेटिव कैरेक्टर में दिखने लग गया है। और यही पार्ट पूरी मूवी में बिगनिंग में दिखाया जाता है कि फर्स्ट इंटरवल में क्या होता है, और फर्स्ट इंटरवल में जिस तरह से निगेटिविटी की ओर ऋतिक रोशन के कैरेक्टर दिखता रहता है उसका क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे ही सेकेंड पार्ट इंटरवल का शुरू होता है, मूवी कुछ पल के लिए अटपटा सा दिखता है, एक बॉलीवुड की झलक आने लगती है कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया, जबकि इसे पूरी की पूरी मूवी पार्ट में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। और कुछ पल के लिए ये मूवी पूरी तरह से ट्रैक रिकॉर्ड से बाहर हो जाता है और फिर एक फ्लो में आगे बढ़ता है, फिर उसे ट्रैक को वो पकड़ता है, लेकिन थोड़ी सी बाहर होने की कोशिश करती है और उस स्टोरी को पैचअप करता है। दूसरी अटपटा चीज इस मूवी में ये भी दिखा कि जिस तरह से टाइगर श्रॉफ को ऋतिक रोशन अपनी टीम में लेता है, और उस समय गाना का जो इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह की सीरियसनेस के साथ आई थी, उस चीज का रिक्वायरमेंट किसी भी कीमत में नहीं था और उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वहीं पे बॉलीवुड की कुछ झलक आती है। लेकिन इस दो नेगेटिविटी के साथ ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है। और आपको 5 ऐसे कारण जो मैंने आपको गिनवाए जिसके कारण से 100% अभी आपको इसकी टिकट लेनी चाहिए। और ये पूरी तरह से हाउसफुल चल रहा है। और एक चीज और बताता चलूं कि सबसे तालियां जिस तरह की पर्सनैलिटी ऋतिक रोशन की दिख रही है इस मूवी में, वो ऋतिक रोशन अलग फेज में दिख रहा है। जो सुपर 30 से और ऋतिक रोशन को देखे हो, इस मूवी में बहुत ही प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा तालियां ऋतिक रोशन की एंट्री पे बजती है, शायद ही ऐसी मूवी में बजती होगी। और दोस्तों, ये मूवी देख के पाकिस्तान की बहुत जलन हुई होगी, क्योंकि सबसे पहला तो मूवी आजकल बैन कर दी है पाकिस्तान ने इंडिया के, और उनका कंप्लेन ये आ रहा है पाकिस्तान वालों की कि आजकल बॉलीवुड अच्छी अच्छी मूवी ज्यादा बनाने लगे हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो पाई। इसी कारण से जिस तरह से आईपीएल से उनसे कंसर्न आ गया कि आईपीएल होने के कारण हमारे इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही, उसी तरह से बॉलीवुड वाले अच्छे अच्छे मूवी ला रहे हैं। और दूसरे नंबर, ये मूवी पूरी तरह से मिलिट्री एंड टेररिज्म एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, और इस कारण से उनकी अगर वो ऑन भी रहता है तब भी दिखने नहीं देते। दोस्तों, अभी के अभी टिकट लीजिए और इस मूवी को 4.5 का रिव्यू हम देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बॉलीवुड के कंस्ट्रेंट आ गए हैं, और लेकिन बहुत धांसू मूवी है और आपको पैसा वसूल ही नहीं, इंटरटेनिंग मूवी है और पूरी तरह से मजा कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड लक यार, थैंक यू।